नमस्कार, आज हम बीएससी थर्ड ईयर के प्रारंभिक क्वांटम यांत्रिकी का अध्ययन करते हुए इस वीडियो में ठोसों की ऊष्माधारिता एवं बोर के हाइड्रोजन प्रतिरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ठोसों की ऊष्माधारिता का अध्ययन करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ऊष्माधारिता क्या होती है। तो ऊष्माधारिता किसी पदार्थ के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह ऊष्माधारिता कहलाती है। ऊष्माधारिता के दो मान होते हैं, एक तो स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता जिसे सीवी से डिनोट करते हैं, एवं इसका मान सीवी बराबर डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। एवं इसी प्रकार स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता जिसे सीपी से डिनोट करते हैं जिसका मान सीपी बराबर डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। अब हम डिस्कस करते हैं ठोसों की ऊष्माधारिता। ठोसों की ऊष्माधारिता के लिए ड्यूलोग व पेटिट ने एक नियम दिया है या बात कही है। उसने कहा कि कई ठोस तत्वों की विशिष्ट ऊष्मा व उसके परमाणु भार का गुणनफल लगभग स्थिरांक होता है, अर्थात विशिष्ट ऊष्मा इंटू परमाणु भार का गुणनफल का मान लगभग 6 केलोरी केलिन इनवर्स ग्राम एटम इनवर्स प्राप्त होता है। यह बात उन्होंने ऊर्जा के समविभाजन सिद्धांत का उपयोग करते हुए दी और बताया कि एकाणु ठोस के लिए कंपन विधाओं की स्वतंत्रता कोटि की संख्या प्रति परमाणु 3 होती है, अतः 1 ग्राम परमाणु में कुल कंपन विधाओं की संख्या बराबर 3N, जहां N अवोगाड्रो नंबर है। ऊर्जा के समविभाजन के चीर संबंध सिद्धांत से प्रति कंपन विधा ऊर्जा का मान KT होता है, अतः 3N विधा के लिए ऊर्जा बराबर 3NKT, जहां N अवोगाड्रो नंबर के बोल्ट्जमान स्थिरांक तथा टी परमताप है। चूंकि हम जानते हैं कि N के बराबर R होता है, अतः 3N विधा के लिए ऊर्जा बराबर 3RT। चूंकि सीवी बराबर डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, इसमें ई का मान 3RT रखने पर हमें सीवी का मान 3R प्राप्त होता है, जिसमें R का मान रखने पर हमें इसका मान लगभग 6 केलोरी केलिन इनवर्स ग्राम एटम इनवर्स प्राप्त होता है। ड्यूलोग व पेटिट का नियम उच्च ताप पर प्रायोगिक मानों के समान है, लेकिन निम्न ताप पर यह नियम असफल रहता है, क्योंकि ड्यूलोग व पेटिट के अनुसार ऊष्माधारिता का मान लगभग स्थिरांक होता है, अर्थात यह तापक्रम के साथ परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन ऊष्माधारिता का मान तापक्रम के साथ परिवर्तित होता है। ऊष्माधारिता का यह मान उस ताप पर पाया जाता है तथा ताप कम होने पर ऊष्माधारिता का मान घटता है, परंतु चीर संबंध सिद्धांत से स्पष्ट है कि एकाणु ठोस के लिए ऊष्माधारिता का मान ताप पर निर्भर नहीं करता है। ठोसों की ऊष्माधारिता को ताप के साथ परिवर्तित किस प्रकार होता है, यह आइंस्टीन ने प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करते हुए समझाया। आइंस्टीन ने माना कि प्रत्येक ठोस में दोलक की कंपन ऊर्जा होती है जो न्यूनतम ऊर्जा का बहुसमाकलन होता है, यानी E बराबर NE0 या E बराबर NH0, जहां N0 कणों की कंपन आवृत्ति है। बोल्ट्जमान के अनुसार औसत ऊर्जा का मान E बार बराबर S0 / E^S0 / KT-1 होता है, तथा ठोस की मोलर ऊर्जा का मान E बराबर N3E⁻ होता है। इसमें E बार का मान पुट करने पर हमें E का मान बराबर N3H0 / E^S0 / KT-1 प्राप्त होता है, तथा ठोस की ऊष्माधारिता CV बराबर ΔE/ΔVT प्राप्त होती है। इसमें E का मान पुट करने पर हमें CV का मान ये प्राप्त होता है। अब इस कंडीशन में 2 कंडीशन प्राप्त होती है, एक तो कम तापक्रम पर, एक उच्च ताप पर, यानी ताप अनंत होने पर। तो कम तापक्रम पर S0 > KT होता है, तथा E^S0 / KT > 1 होता है, अतः CV का मान 3N / S0 / KT² E^S0 / KT प्राप्त होता है। तथा उच्च ताप पर S0 / KT का मान बहुत कम होता है, अतः CV बराबर 3N प्राप्त होता है, जहां N के बराबर R तो CV बराबर 3R होता है, अतः CV का मान 5.94 केल्विन ग्राम एटम इनवर्स प्राप्त होता है, जो कि ड्यूलोग व पेटिट नियम के समान है। लेकिन डिबाई ने माना कि किसी क्रिस्टल के समस्त कण समान आवृत्ति से कंपन नहीं करते हैं, अतः N परमाणु रखने वाली तंत्र की ऊर्जा का मान E बराबर 9N Vm³ जीरो से न्यूनतम समाकलन करने पर S0 / KT-1 S0/2 / N0/d² होता है, जहां न्यू तंत्र की आवृत्ति है तथा न्यू अभिलाक्षणिक
आवृत्ति होती है। क्योंकि सीवी बराबर डेल्टा ई, चूंकि सीवी बराबर डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होता है, इसमें डिबाई के अनुसार ई का मान रखने पर हमें दो परिस्थितियां प्राप्त होती है, एक तो अनंत ताप पर, एक शून्य अगर ताप शून्य की ओर अग्रसर हो। यदि ताप अनंत की ओर अग्रसर हो तो हमें सीवी का मान 3R प्राप्त होता है, और यदि ताप शून्य की ओर अग्रसर हो तो सीवी परम ताप के घन के समानुपाती होती है, अर्थात सीवी का मान 464.6 टी अपॉन थीटा की पावर क्यूब प्राप्त होता है। अतः निम्न ताप पर ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा परम ताप के घन के साथ परिवर्तित होती है, तब परम शून्य ताप पर सीवी का मान 0 होता है। अतः इस नियम को डेबाई टी क्यूब नियम कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन का बोर प्रतिरूप। बोर ने प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग परमाणु करते हुए परमाणु प्रतिरूप के लिए निम्न अवधारणाएं दी। प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का उत्सर्जन सतत रूप से न होकर पैकेट्स के रूप में होता है। ऊर्जा के इन पैकेटों को फोटोन कहते हैं या क्वांटम कहते हैं। उन्होंने अवधारणा दी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित स्थायी वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तथा चक्कर लगाते समय इनकी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, अतः इन कक्षों को स्थायी कक्षाएं कहते हैं। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन पर दो बल कार्य करते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन और परमाणु नाभिक के मध्य विद्युत आकर्षण बल और दूसरा भार की ओर अपकेंद्रण बल। ये बल एक दूसरे को प्रतिसंतुलित करते हैं। दूसरी अवधारणा है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग एच अपॉन टू पाई का पूर्ण गुणज होता है, यानी एम वी आर बराबर एन एच अपॉन टू पाई, जहां एन का मान 1, 2, 3 तक हो सकता है। थर्ड है कि इन स्थायी वर्ताकार कक्षाओं की ऊर्जा निश्चित होती है, अतः इन्हें ऊर्जा तल भी कहते हैं तथा अनंत पर इसकी ऊर्जा का मान शून्य होता है। फोर्थ है कि किसी परमाणु को ऊर्जा देने पर उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। चूंकि हम जानते हैं कि उत्तेजित अवस्था अस्थायी होती है, अर्थात इसका अल्पकाल बहुत कम होता है, जो कि 10⁻⁸ सेकेंड होता है। अतः इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित अवशोषित ऊर्जा के बराबर ऊर्जा का फोटोन उत्सर्जित करके मूल अवस्था में आ जाता है, एवं मूल अवस्था में आकर अपने स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है, एवं इस प्रकार स्पेक्ट्रम रेखा का निर्माण होता है। अब हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन के लिए बोर प्रतिरूप। चूंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, अतः हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन तंत्र है, और यह इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उस पर दो बल लगते हैं, एक तो नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल जिसका मान kJd²/r² होता है, एवं दूसरा भार की ओर अपकेंद्रण बल जिसका मान mv²/r होता है। चूंकि ये दोनों बल एक दूसरे को संतुलित करते हैं, अतः kJd²/r² = mv²/r। चूंकि CGS पद्धति में k का मान 1 होता है, अतः JD²/r² = mv²/r। चूंकि बोर की दूसरी अवधारणा से कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज होता है, अतः mvr = nh/2π। तो समीकरण में 1 व 2 से हमें r का मान n²h²/4π²mjd² या n²z a₀ प्राप्त होता है, जहां a₀ एक कांस्टेंट है जिसका मान h²/4π²me² होता है। इसमें h, πm, e आदि का मान रखने पर हमें a₀ का मान 0.529 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होता है, अतः r का मान 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम प्राप्त होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए z का मान 1 है, अतः r = 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम, अतः r समानुपाती n² होता है। यदि n का मान 1 हो तो r = 0.529 एंगस्ट्रॉम होता है। इसी प्रकार समीकरण 1 व 2 से हमें इलेक्ट्रॉन का वेग v = 2π kJd²/nh प्राप्त होता है। चूंकि k = 1 है तो v = 2π jd²/nh है, अर्थात v = z/n होता है। चूंकि हाइड्रोजन परमाणु के लिए z = 1, अतः v = 1/n। अब हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दो प्रकार की ऊर्जाओं का योग होता है, एक तो स्थितिज ऊर्जा और दूसरी गतिज ऊर्जा। क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का मान -kJd²/r होता है तथा गतिज ऊर्जा का मान 1/2 mv²/r होता है। दोनों का मान पुट करने पर हमें e का मान
माइनस टू पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एम ई फोर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर प्राप्त होता है, अर्थात ई का ई समानुपाती होता है माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए ई समानुपाती होगा माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर। चूंकि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के मान ऋणात्मक होते हैं क्योंकि वे नाभिक के आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, यदि एन का मान इन्फिनिटी होगा तो ई का मान जीरो होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा हुआ नहीं होगा। अब हम स्पेक्ट्रमी रेखा के निर्माण के बारे में अध्ययन करते हैं। चूंकि बोर के अनुसार डेल्टा ई बराबर ई एन टू माइनस ई एन वन होता है, इसमें ई एन टू और ई एन वन का मान रखने पर हमें डेल्टा ई का मान टू पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई फोर अपॉन एच स्क्वायर वन अपॉन एन वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू का प्राप्त होता है। चूंकि हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड बराबर वन होता है तथा डेल्टा ई बराबर एस न्यू एस सी अपॉन लेमडा या एस सी न्यू बार होता है, जहां न्यू आवृत्ति, लेमडा तरंग दैर्ध्य तथा न्यू बार अतः वन अपॉन लेमडा बराबर न्यू बार बराबर डेल्टा ई अपॉन एस सी बराबर टू पाई स्क्वायर एम ई फोर अपॉन एच क्यूब सी बराबर कोष्टक वन अपॉन एन वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू का स्क्वायर होता है। टू पाई स्क्वायर एम ई फोर एस सी क्यूब को एक स्थिरांक रिडबर्ग कॉन्स्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मान 109737 सेमिनवर्स होता है, यानी वन अपॉन लेमडा बराबर न्यू बार बराबर आर एच वन अपॉन एन वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू का स्क्वायर। अब अतः इस प्रकार हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में निम्न श्रेणी प्राप्त होती है। यदि एन वन का मान वन है और एन टू का मान टू थ्री फोर है तो हमें लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है और जिसका क्षेत्र प्राबैंगनी क्षेत्र होता है। यदि एन वन का मान टू है एन टू का मान थ्री फोर फाइव सिक्स अबोव है तो हमें बामर श्रेणी प्राप्त होती है, जो कि दर्शित क्षेत्र में प्राप्त होती है। एन वन का मान थ्री है और एन टू का मान फोर फाइव सिक्स अबोव है तो हमें पाश्चन श्रेणी प्राप्त होती है, जो अवरक्त क्षेत्र में प्राप्त होती है। इसी प्रकार हमें एन वन का मान फोर है एन टू का मान फाइव सिक्स सेवन है तो हमें ब्रेकेट श्रेणी प्राप्त होती है और इसका क्षेत्र अवरक्त होता है। यदि एन वन का फाइव फाइव है और एन टू का मान सिक्स सेवन एट है तो हमें पी फंड प्राप्त होता है, जो भी अवरक्त क्षेत्र में होती है। इसे इस प्रकार डिनोट करते हैं। इसमें एन वन का मान तो निश्चित होता है तथा एन टू का मान हमेशा एन वन से बड़ा होता है, तो इसके विभिन्न मान हो सकते हैं।